परसों अच्छी सी धूप आई थी, आज तो मरी मरी जैसी धूप आ रखी है। आज आई है उतनी अच्छी धूप नहीं आई है, कल और परसों अच्छी सी धूप आई थी, आज तो मरी मरी जैसी धूप आ रखी है। आज कभी गेहूं की सफाई धो भी नहीं सकती ना, धोने के बाद ना सूखेंगे भी नहीं जल्दी। इसलिए क्या आई हूँ रुंगड़ साफ करने के लिए, जैसे पहाड़ों में घट्टू नहीं बनाते, घटू गेहूँ घटे ऐसा ऐसा करके नीचे का पत्थर पत्थर और मिट्टी साफ़ हो जाएगी ना, और ऊपर के अच्छे तरह से इसको साफ करके बनाती हूँ। थोड़ा सा धूप में रख दूंगी। अभी बॉक्स का भी डर हो रहा ना, ये बॉक्स गिरा देगा। बॉक्सी गिराना मत था भा मेरा बच्चा। इसको साफ करती हूँ फटाफट। अब दिन का खाना भी बनाना है अभी, और देखती हूँ क्या क्या होता है। कपड़े भी धुल चुके हैं, अंदर का काम भी हो गया, थोड़ा बाहर का भी। ऐसे साफ करके पिछले बार भी ऐसे बनाए थे और इस बार भी ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि जब जब ठंड का मौसम रहता है ना तब तब ये ऐसे ऐसे मिट्टी के डोले जैसे निकालते हैं ना, इनको निकालना है मिट्टी के डोले। और ये जो मैंने डाल रखे थे ना, नीम के पत्ते हो गए और माचिस की तिल्लियाँ हो गई, अब डाल निकालूंगी। इसमें कीड़ा भी नहीं लगा है, साफ है गेहूँ, साफ हो रही है फटाफट। आजकल तो फिर भी अच्छा मौसम हो रहा, धूप में आने लाए, नहीं तो कोहरा लग के बाप रे ऐसा भयानक हो जाता था ना इधर बहुत ज़्यादा। अब हो रही सफाई, इतने साफ कर दिए हैं, इतने साफ करने और हैं, अभी और साफ कर रही हूँ। बाप रे इतनी मिट्टी इट्टी हो रही ना, ये जो महीन वाला है ना, ये मिट्टी इट्टी वाला, इसको तो बाद में धोऊंगी। बहुत ही पतला है जो निकल जा रहा है, कट के ना ये मशीन में कट जाते हैं ना ये वाले गेहूँ, ये बहुत ही पतले, इसमें मिट्टी भी आ रही है वो भी, क्योंकि ना ये इसमें मैंने दवा नहीं डाल रखी, खाली नीम के पत्ते हो गए और माचिस की तिल्ली हो गई, इससे भी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए हम बिना धोए भी खा सकते हैं इनको। अगर दवा डालती ना तब तो मुझे धोना पड़ता भाई, क्योंकि दवा उसमें भी केमिकल होता है ना, दवा में भी, तो उसको धो के फिर खाते हम गेहूँ आटा पीस के ना, तब रोटी खानी पड़ती, नहीं तो अभी तो बिना धोए भी बना सकती हूँ। पिछले बार भी जैसे बनाया था ना, इससे पहले जो बनाया था वो भी मैंने बिना धोए बनाई थी, क्योंकि उन टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इधर धूप नहीं थी। अभी तो धूप आई है ना, मगर कल परसों से अच्छी सी धूप आई है दो तीन दिन से, मगर आज और कल थोड़ा कम थी धूप, तो ऐसी बना रही हूँ ऐसी छान छान के। तब थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसमें धो के उतना टाइम नहीं लगता है, मगर सुखाने में दो तीन दिन लग जाएंगे ना। अभी ऐसी साफ करती हूँ, अगर दवा डालनी पड़ती तो मेरे को फिर मजबूरन बस इसको धोना पड़ता और फिर जो बनाना पड़ता। अभी दवा नहीं डाल रखी ना, इतना थोड़ा ठीक हो रहा, बिना दवा डाले ठीक रहता है ना। तब आज सौम्या की मम्मी की मशीन हो रखी है ख़राब, अभी मशीन ठीक कराने के लिए आए हैं भैया। ये सुबह सुबह आ गए भैया, अभी अभी 8 बजा है सुबह के सुबह, अपना अपना काम सबको इम्पोर्टेंट रहता है ना, तो सुबह सुबह आ गए हैं काम करने के लिए। डब्बी है ही नहीं मेरे पास, डब्बी कितने की आती है? बाबरे क्या डब्बी ली नहीं है? 40 रुपए की जाती है। अच्छा हाँ, आप भी 40 की दोगे? 45 रुपए की 5 रुपए नहीं ली भैया, 1 रुपया कम नहीं कर रहे हैं। एक दो रुपए तो दुनिया लेती है, आप 5 रुपए लोगे एक डब्बी पे, छोटी सी चीजों पे इतनी कमाई कौन करता है? 2 रुपए कमाई तो दोगे तो बोले कहा ना, 10 वर्ष का ये लो। हेलो, और मेथी की सब्जी और प्याज भी काट रखा है। मेथी ना हमारे घर की है, अभी मैं अंदर गई आग जला के, इसमें तेल रखा था कढ़ाई में, इतना गर्म हो गया जल्दी, क्योंकि ना आजकल चूल्हा ना सूख रखा है, थोड़ा मौसम थोड़ा सही हो रहा ना, एक दो दिन से मौसम थोड़ा धूप जैसी आई है आज, तब बनाने को तो रोज ही बनाते हैं, यहाँ डाल देती हूँ, बहुत ही गर्म हो रखा है। और मेथी ना घर की मेथी है ये जो मैंने बोई थी ना, अच्छी सी हो रही है, थोड़ा कड़वी हो रही है, पहले प्याज डालूंगी फिर उसके बाद ना आलू डालूंगी, तब उसके बाद अच्छी होगी। और अभी 7:30 हो गया है, बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि ना गैस ना थोड़ा मुझे लेट जैसा लगता है खाना बनाने में, और चूल्हे में ना इतनी जल्दी खाना बनता है,
15 मिनट में तो पूरा सब कुछ बन जाता है, रोटी सब्जी। सुबह भी इसी में बनाती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा पाला जैसा होता है, वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ ऐसी। और अब बना रही हूँ आलू और मेथी की सब्जी, आज भी कम कर दूँगी ना, नहीं तो जल जाए। तेल गर्म हो गया, इतनी जल्दी में अंदर सब्जी लेने के लिए गई, उतनी देर तक तो तेल कितना गर्म हो गया। इतने मोटे मोटे टुकड़े कर रखे मैंने आलू के, थोड़ा सूखा निकाल दूँगी और उसके बाद ना थोड़े में दही डाल दूँगी। दही मट्ठा डाल के ना अच्छा होता है, मेथी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, स्वाद भी होती है। तो सुबह भी बनाया था इसी पे चूल्हे पे रोटी सब्जी, और अभी भी क्योंकि ज़्यादातर पांडे जी को भी ना चूल्हे का ही खाना पसंद है। ये एक टुकड़ा गिर गया, अग्नि देवता को पड़ गया अग्नि देवता को। तो इसके बाद डाल देती हूँ मेथी, क्योंकि पहले ना मेथी नहीं डालनी चाहिए, पहले मेथी डालने के बाद कड़वी जैसी हो जाती है, आलू डालने के बाद तब डालो ना मेथी अच्छी होती है। मेथी के पराठे भी खाए इस बार, तो खूब ही मेथी खा ली और अच्छी भी हो रही मेथी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना इसकी, बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। अब सोच रही थी मैं, देखती हूँ अभी अभी आज तो मैंने सब काट लिया, दिक्कत नहीं कर रही है। सुबह के टाइम पे बहुत टाइम लगता है क्योंकि पन्नी वन्नी डालो तब जलती है ना, बहुत देर में जलती है आग। तो इसको थोड़ा नमक डाल के ढक देती हूँ, फिर डालूँगी उसके बाद मसाला। आग का खाना ना स्वाद ही होता है, बहुत स्वाद, खाली ऐसे भी बना दो ना बहुत टेस्टी होता है। रोटी हो गई या हो गया क्या कहते सब्जी हो गई, दाल चावल हो गया, कुछ भी बनाओ ना अच्छी सी होती है आग की सब्जी, सब्जी रोटी। ये बर्तन हमारे सब चूल्हे वाले हैं, काले हो जाते हैं बिल्कुल सारे, कढ़ाई वगैरह ना सब, एक कढ़ाई दो तीन कढ़ाई सारी कढ़ाइयाँ तो हमारे चूल्हे की हैं, और कुकर भी एक चूल्हे का ही है काला, सब चूल्हे की बर्तन ज़्यादा हैं। कोई नहीं, स्वाद के आगे कुछ नहीं देखना है, काला बुरा। बस अब इसमें नमक डालती हुई ढक्कन लगा दूँगी, नमक भी डाल दिया है और थोड़ा हिला दिया है, अब ढक्कन लगा दिया है, अब हल्की आँच में अपने आप पकता है ढक्कन। ये सब्जी बनके तैयार होगी मेरी, मेथी और आलू की, मस्त जो आँच में ज़्यादा हो गई। अब इसको थोड़ा निकाल देती हूँ ना, क्योंकि सब्जी छोटे वाले हॉट के इसमें, छोटे वाले हॉट के इसमें निकालती हूँ, और थोड़ा इसमें डाल दूँगी दही। इतनी जल्दी पक जाती है, 7:30 बजे डाली थी मैंने सब्जी, 10 मिनट में बन के रेडी हो गई। छोटी ज़्यादा निकालती हूँ ना, तरी वाली भी तो अच्छी लगती है, इसके मट्ठा डाल के ना मस्त लगती है, मेरे को तो अच्छी लगती है मट्ठा डाल के। गिर न जाएगा नीचे, तो निकाल दिया मैंने ये सब्जी, तो निकाल दी, इतने में डाल देती हूँ मट्ठा, ना दही मट्ठा जो है मट्ठा है ही नहीं, पहले थोड़ा पानी डालूँगी ना, नहीं खा जाएगा नहीं तो। अब डाल दिया दही, चलाते रहूंगी नहीं तो फट जाएगा। ये बन गई मट्ठे वाली सब्जी, भी तैयार हो गई,
मस्त हो गई। अब ले जाती हूँ इसको भी अंदर। अब बनाती हूँ रोटी। ये सूखी सब्जी बन गई और ये मट्ठी वाली बन गई दही डाल के अच्छी सी। अगर मिक्सी में ग्राइंडर भी करते ना तब भी ये थोड़ी दुकान की दही ना हो ही जाता है ऐसा वाइट करके ज़्यादा, तभी इसलिए मैं पूरा ही दही डाल दिया वैसे सब्जी। अच्छी सी बन गई। मेथी की सब्जी ना ऐसी अच्छी लगती है मट्ठा डाल के या दही डाल के ना, और सूखी भी अच्छी लगती है, दही डाल के भी अच्छी लगती है। दोनों बन गई मेरी सब्जी तैयार। अब बनाती हूँ रोटी। बन गया मेरा खाना तैयार हो गया। खाना खाने के लिए आ गई रोटी। आग की रोटी इतनी अच्छी होती है। और रोटी ये तरी वाली सब्जी जिसमें दही डाल रखी थी और वो सूखी सब्जी आलू मेथी की मस्त सब्जी। अब खाते हैं खाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।